हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम आपको लेके आए हैं ए टू बी रेस्टोरेंट, जो कि नेल्लोर में है और एक इसकी ब्रांच चेन्नई में भी है। तो वैसे तो हमने काफ़ी अच्छा नाम सुना था इसका पहले भी। ये जो सामने फ्रेंड बैठे हुए हैं, इन्होंने पहले भी ए टू बी चेन्नई में खाया हुआ है खाना, बहुत टेस्टी है। खाने का टेस्ट आज भी अच्छा है। तो दोस्तों हम लोग अभी यहाँ पे दो दिन से पिछले खाना खा रहे हैं, तो हम लोगों को टेस्ट तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। कुछ डिसएडवांटेज भी लगी हैं, वो हम आपको बताएंगे, जो कि आज हमने फेस की हैं। ठीक है, वैसे तो हमने खा ही लिया है खाना, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें पसंद नहीं आई हैं। रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, वैसे ओवरऑल देखेंगे आप तो बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट है। आप देखिए सारी चीज़ें वैरायटी मिलती है यहाँ पे, मतलब फूड अगर आप देखेंगे, फूड से लेके स्वीट्स वगैरह सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। गोलगप्पा, जूसेस, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। देखिए बहुत ही बढ़िया सिटिंग अरेंजमेंट भी है। ठीक है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम आपको बताएंगे। अभी हम अपने फ्रेंड से भी रिव्यू लेंगे। तो रवि रंजन कुमार जी, आप कुछ कहना चाहेंगे खाने के बारे में, कैसा लगा खाना आपको? खाना तो बहुत अच्छा है, बट रोटी यहाँ के लोग बनाना नहीं जानते हैं, इसलिए रोटी अच्छा नहीं। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि रोटी यहाँ पे, रोटी तो खैर साउथ में सब जगह ही प्रॉब्लम है। हाँ, रोटी का अच्छा नहीं है, बाकी सारा चीज़ अच्छा है। तो आप क्या रेटिंग क्या करना चाहेंगे इसमें? रेटिंग यही करना चाहेंगे कि रोटी थोड़ा नॉर्थ इंडियन स्टाइल में बनाना चाहिए, तो रोटी को अच्छे से पकाना चाहिए, बाकी सब ठीक है, सब्जी वगैरह सब अच्छा है। रेटिंग क्या देना चाहेंगे, आउट ऑफ फाइव कितना रेटिंग देंगे? आउट ऑफ फाइव 4.5। 4.5। ये हमारे दूसरे मित्र हैं शिशिर कुमार, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? फूड का टेस्ट, यहाँ के जो स्टाफ है उनका बिहेवियर, और आपकी संतुष्टि, मतलब वैल्यू ऑफ मनी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? फूड का टेस्ट बढ़िया है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए कुछ कमियाँ हैं, जैसे कि आपको अगर मान लीजिए नींबू मांगते हैं आप, वो ढंग से मिल नहीं पाएगा। प्याज मांगा जाए तो चार बार मांगने पर एक बार आपको मिलेगा। और बिलिंग में कुछ इशू आपको आ सकती है, जैसे कुछ इधर उधर टूटना पड़ सकता है, कुछ टाइम लग सकता है बिलिंग में। स्मूथलेस जिसको बोलते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। मतलब बोल सकते हैं कि बेसिक कमोडिटी में थोड़ा सा स्टाफ का इशू है। हाँ, स्टाफ का इशू है, क्योंकि इसको हम रेस्टोरेंट का इशू तो नहीं बोल सकते, इसको स्टाफ का इशू। फूड बढ़िया है, टेस्ट अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा स्टाफ के इशू की वजह से हो या फिर मैनेजमेंट के इशू की वजह से हो, जो भी हो, बट कुछ इशूज है इसमें जो कि इनको सुधारना चाहिए। ठीक है, ये अभी हम हमारे तीसरे मित्र हैं तो इनसे मिलवाएंगे आपको। आप बताइएगा थोड़ा सा क्या रिव्यू रहा आपका खाना, आपकी आप आपका खाना तो अभी बचा हुआ है, बताइए। तो अच्छा है, रेस्टोरेंट अच्छा है, काफ़ी गैदरिंग वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी, खाना आप अच्छे से खा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है सैलेड में, सैलेड में आपको लेमन नहीं मिलेगा, ओनियन मिलेगा, तो भी प्रॉपर हाइजीन नहीं मिलेगा, जैसे कि आप अच्छे से देख पाएंगे। अच्छा, आप यहाँ पे हाँ देख सकते हैं, ये थोड़ा सा मतलब इनका हाइजीन का प्रॉब्लम है, जबकि स्टाफ अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, ना ला के दे रहे हैं, मांगने को बोल रहे हैं नहीं है, ख़त्म हो गया है। तो आप ए टू बी रेस्टोरेंट से क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे? कि खाना जो भी खिलाएं तरीके से और सलीके से खिलाएं, जिससे जो जिसको जो ज़रूरत हो उसको सही समय पे मिल पाए, मेरी बस एक ही दरख्वास्त। मतलब आप स्टाफ से थोड़ा सा नाराज़ हैं? जी, सर्विस से संतुष्ट नहीं है ना। चलिए हम इसके बारे में भी बोलेंगे, ए टू बी स्टाफ से भी बोलेंगे कि प्लीज़ कस्टमर्स को थोड़ा सा अच्छे से सर्विस दीजिए, बिकॉज कस्टमर्स ही भगवान होते हैं बिज़नेस के अंदर। तो आपका बिज़नेस या हमारा बिज़नेस या किसी का भी बिज़नेस हो, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो रिपीटेड ऑर्डर्स नहीं आएंगे। जैसे कि हो सकता है कि ये भी नेक्स्ट टाइम आने में थोड़ा सा यहाँ पे हिचकिचाएं अगर इस तरह का बिहेवियर होगा तो। तो दोस्तों बाकी और कुछ आप जानना चाहते हैं? इस रेस्टोरेंट की आपकी दो ब्रांचेज हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ, इसका सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा प्रॉपरली दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरीके का सिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पे, और सामने आप देख सकते हैं कि ये फूड काउंटर है, और इधर आपका स्वीट्स काउंटर है। ठीक है, बिलिंग काउंटर इधर बना हुआ है, तो मतलब काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा, लाइटिंग वगैरह बहुत बढ़िया है, और फूड पैटर्न भी आप देख सकते हैं, टेबल अरेंजमेंट भी बहुत ही अच्छा है। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम मिली है, थोड़ा सा कस्टमर इसलिए सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि थोड़ा सा सर्विस का इशू है। सर्विस का इशू ये बोल सकते हैं कि, वैसे हमने स्टाफ से भी बात की तो वो बोल रहे हैं कि क्लोजिंग टाइम है, तो इस वजह से सर प्रॉब्लम हो रही है, बट फिर भी उनको थोड़ा सा चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्या